बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये फरमाइश मेरी थी आज, और उसका कारण ये था कि दुख में सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन करे सुख काहे को, दुख काहे को। तो दरअसल ये था कि मुझे लग रहा था कि शो तो होने वाला नहीं है, और फंस गया है क्योंकि बादल बहुत तेजी से हैं और बारिश होने वाली है। तो मैंने कहा कि याद कर लो ऊपर वाले को, तभी याद किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करने वाले हैं, और वो तमाम सारे लोग जो आज मौजूद है, बहुत गर्मी है आज, 43-44 डिग्री। रुको, तुम्हारा तो हिसाब मुझे मालूम है, जब 44 हो जाए तब भी सही हो, जब बारिश हो जाए तब भी सही, तुम तो वो आदमी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आकृति जो आप शो में शरीक हुई, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैंने अपनी डिबेट में जरूर एक उसूल बना रखा है कि व्यक्तिगत तौर पे कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, अपशब्द तो बिल्कुल नहीं कहेगा, और वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। डिबेट की एक मर्यादा है, वो चाहे कोई हो, कोई हो, और उसको मैं बिल्कुल, मैं शैलेन जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं आप ही को माइक दे रहा हूं, इसलिए वो शब्द जो है मैं अपनी डिबेट से निकालता हूं, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। जी, अब मैं आपका तर्क ले लूंगा, जो भी आप कहना चाहेंगे। जी शैलेन जी, प्रतीक जी, चूंकि पहला भाग डिबेट का लगभग जो है 80% से ज्यादा समय कपूर शब्द पे चला गया, लेकिन मैं तार्किक कुछ चीजें रखना चाहता हूं, आशा है कि आप जो उस पर सपोर्ट करेंगे। एक क्लास के अंदर जो है 40 या तमाम विद्यार्थी होते हैं, और विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है ये आकलन किया जाता है कि मतलब जो है कौन सा विद्यार्थी मेधावी है, कौन सा विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी के पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आते हैं, तो माँ बाप भी आमतौर पर क्या कहते हैं कि विद्यार्थी किस तरह का है। तो मेरी जहां तक समझ है, इवन जो साहित्य की ठीक ठाक मैं समझ रखता हूं, अपशब्द और जो है साहित्यिक तौर पे किसी को मतलब जो अलंकृत शब्द का इस्तेमाल करना, कपूर शब्द जो है परफॉर्मेंस रिलेटेड है, कपूर शब्द जो है किसी और की मतलब दृष्टि से रिलेटेड नहीं है। तो मेरे ख्याल से, अरे भैया क्या नाम, जो आप व्यू अगेन कर लेना, ठीक है, तो मेरा ये आकलन है कि जो जिस व्यक्ति की परफॉर्मेंस लगातार, चूंकि आप राजनीतिक जीवन में अभी मान लो जिस विषय पे आप आकलन करना चाह रहे हैं, तो उस विषय पे आपकी परफॉर्मेंस का आकलन तो होगा ही, जैसे तुलना की बात आ रही थी उदाहरण के तौर पे, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उदाहरण के तौर पे 2014 का चुनाव, 2009 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2024 का चुनाव, मतदाता चुनाव करता है तो क्या करता है, कंपेरिजन ही तो करता है ना, पूर्व सरकार की तुलना में इस सरकार ने अच्छा काम किया या कम अच्छा काम किया, और तो कोई पैमाना हो नहीं सकता। तो मेरा यह स्पष्ट आकलन है कि तुलना आप जो है करनी ही पड़ेगी, उसके बिना जो है कभी भी आप निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप टीचर हैं, आपका काम यह है, और मेरा काम यह है कि संयोजन बनाना, और संयोजन बनाने का काम करता हूं, सिर्फ बैलेंस का काम, बैलेंसिंग एक्ट का काम करता हूं, इसलिए मैं कॉपी चेक करने वाला नहीं हूं। कॉपी चेक करने वाले टीचर्स होते हैं, वही चेक करते हैं, जैसे आप हैं, जनता है, यहां पर जनता है। तो मैं सिर्फ यही बात कह रहा था कि जैसे आप सुपुत्र कह रहे हैं, तो वो लकीर इतनी बड़ी है, और इतनी बड़ी लकीर खींच दीजिए कि बाकी कुछ रह ही ना जाए सामने कहने के लिए। बस मेरा इतना ही आग्रह था मनोज जी, करबद्ध आग्रह था, बस बाकी कुछ नहीं। नीरज, एक बार चांस आपको देंगे, नीरज फिर धन फिर डिबेट शुरू हो जाएगी। जी, एक पहले नीरज को देना आपको। जी प्रतीक जी, मुझे अभी भी आपसे उम्मीद है कि आप इनसे उस शब्द को वापस कराएंगे, माफी मंगवाएंगे। और जहां तक शैलेंद्र जी ने परफॉर्मेंस की बात की, तो मैं आपको बता देता हूं, 2019 के चुनाव के बाद से देश में 31 विधानसभा के चुनाव हुए। आज देश में 60% जनता जिन प्रदेशों में रहती है, वहां पर भाजपा की सरकारें नहीं हैं। 31 में से सिर्फ 6 ऐसे प्रदेश हैं जहां पे भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है, और देश के अंदर जो गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी का आलम है, उसके जो मुखिया, जो शहंशाह हैं, वो फिर हो सकते हैं जिस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। आपने कहा था गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हटी? आप 70 साल से यही कह रहे हैं कि दलित में सरकार दलितों की है, शोषित की है, वंचितों की है। 70 साल तक आप ये गीत गाते रहे, और आज भी दलित वही खड़ा है, आज भी शोषित वंचित वही खड़ा है। ये गीत बंद करिए, आप लोगों ने ऐसे बस ठीक। प्रतीक जी, हमने 70 साल में सिर्फ यही किया कि हमारा जो मित्र, जो वोट देने की ताकत रखता है,
अपने नेता से सवाल पूछ सकता है। 70 साल ये रहे होते तो इनके मुंह पर टेप लगा दी जाती और ऐसी जगह पे नहीं। टेप टेप देखिए देश बोलो देश के पत्रकारों के नेताओं के मुंह पर टेप लगाकर जेल में बंद करने वाली कांग्रेस पार्टी। और मैं कहता हूं इन्होंने कहा कि इतने राज्यों में सरकार है, 9 राज्यों में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार है और 6 राज्यों के अंदर गठबंधन की सरकार है, यानी 15 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 50 चुनाव राहुल गांधी ने लड़े अपने नेतृत्व में, 40 तो चुनाव इनके नेतृत्व में हारे। अरे अपना तो छोड़िए और किसी का तो, ये तो अमेठी छोड़ करके वायनाड भाग गए। नीरज जी मैं तो रोज अग्नि परीक्षा देता हूं, रोज अग्नि परीक्षा देता हूं, रोज आगे के बीच से निकलता हूं या आनी आपकी जनता के बीच में। बड़ी ईमानदारी के साथ मैंने 40-45 मिनट इसी पे बात करी कि शब्दों को अपशब्दों को ध्यान रखिए वरना डिबेट नहीं हो सकती। और इस पर ध्यान मैंने मनोज लिया, लेकिन बहुत सारे लोग अभी बोले नहीं। वेरी 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 क्विक, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा मनोज। देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इकोनॉमी में अगर ब्राइट स्पॉट बना है तो भारत बना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फास्ट इकोनॉमी कोई बनी है तो भारत की बनी है। अगर मोबाइल में 2nd नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग हब बना है तो भारत बना है मोदी जी के नेतृत्व में। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है तो मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। और G20 का अगर अध्यक्षता कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सपूत सपूत सपूत। जी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि फिजा बदली है श्रीनगर की, और जो गए हैं उन्होंने फोन किया कि प्रतीक जी आपको जरूर आना चाहिए था श्रीनगर, मैं नहीं आ पाया तो लेकिन मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। जी जी देखिए इनके एक एक पॉइंट पे जो है बात हो सकती है, लेकिन बात बॉस की हो रही थी। सबसे पहली बात है, अगर देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रोशन होता है तो सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। भारत विश्व गुरु बनता है तो सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बॉस की बात होती है, बॉस कई प्रकार के होते हैं। बॉस वो भी होते हैं जो पगार मारते हैं लोगों की, ओवर टाइम कराते हैं, पेमेंट नहीं देते, और बॉस वो भी होते हैं। चौकीदार चोर के बारे में इन्होंने कहा था, चाय वाले के बारे में बहुत कही, पकोड़े वाले के बात बोले उन्होंने, तो क्या सबको सम्मानित करने का काम नहीं है क्या? चाय वालों के लिए, पकोड़े वालों के लिए, मेरा पीएससी देखिए स्ट्रीट वेंडर्स पे। देखिए ये लोग देखिए अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे चौकीदार की। सर अभी इन्होंने कहा कि बॉस के प्रकार बताएं। भाई भाई सुनिए, डिबेट कहाँ पहुंच गई सुनिए, आप देखिए पकड़िए, डिबेट पकड़ पाए तो पकड़िए। जी अभी इन्होंने बोला कि बॉस के प्रकार बताए इन्होंने। आप क्या काम करते हैं साहब? मैं सर सर्विस में हूँ। मैं कहाँ पे? मैं चाणक्यपुरी में हूँ। चाणक्यपुरी में जब प्लीज। जी सर इन्होंने बॉस के प्रकार, बॉस के प्रकार बताए। हाँ जी मैं बताना चाहता हूँ, हमारा बॉस जो है ना, हमारा बॉस जो है अपने हित से ज्यादा देश के हित के लिए सोचता है, देश के हित के लिए सोचता है और प्रजा के लिए काम करते हैं। वो बॉस कौन है? मोदी जी है निश्चित। ठीक है ठीक है, देखिए अब आप जनता को, जनता बोलने दीजिए। जी जी वन बाय वन। हाँ जी ऐसा है, देश की 60% पॉपुलेशन अपने दिमाग का यूज नहीं करती, सिर्फ एक शब्द याद करती है, मोदी मोदी। दिमाग का इस्तेमाल नहीं है। सच्चाई बात यह है कि दुनिया में डंका कहाँ, वहाँ इंडियन इकट्ठे हैं, ऑस्ट्रेलियन कोई भी हो तो बताइए, जहाँ है वहाँ इंडियन को इकट्ठा करके ड्रामा करते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट मॉल में ट्रॉली लेके घूमता है, वहाँ उसको देखने नहीं आते, इसको देखने कौन आएगा? सिर्फ इंडियन वहाँ इकट्ठे किए जाते हैं और कोई जाने। एक मिनट बात, मुद्दा आज का मुद्दा था ग्रेटेस्ट। वन मिनट ये कहाँ से आई हैं आप? हैं एक मिनट को डॉक्टर साहब, ये तो मेरी जुरिडिक्शन में आ गई है। कहाँ, क्या नाम है मैम आपका? मैं बताइए घर में कैसे रहती हैं आप? घर में भी यही होता। चलिए मैं पहले मैम आई यहाँ पे, हेलो मैम। जब यहाँ के बड़े बड़े प्रवक्ता सब लाइन पे, मैम दिस इज वेरी बैड। एक मिनट वेट, यही खड़े रहिए। जी जी सुनो, आज का मुद्दा महान पे था, प्रधानमंत्री सिकंदर महान कैसे बने और हमारे प्रधानमंत्री महान कैसे हैं, ये मुद्दा ग्रेटेस्ट पे था। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना दिया 5 लाख का जनता के लिए, जनता के लिए देश में पहली बार जो है, देश में जनता के लिए 3 तलाक
समाप्त किया, ये महिलाओं का जीत है। दूसरी बात, इंडियन पैनल कोड 1816 जो था 170 वर्षों पुराना कानून को 497 के तहत उन्होंने ऑर्डिनेंस लेके समाप्त किया, कहा कि द वुमेन वॉज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड विद द कॉम्पोनेंट। ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का जजमेंट है, न्याय में जीत हुआ। सोशल में देखिए, आप सामाजिक क्षेत्र में भी देख लीजिए, जहां प्रधानमंत्री जाते हैं अवार्ड लेके आते हैं। अभी आप जो सिडनी में देख लीजिए, जहां गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्या काम करते हैं हम जो अभी जो है केवल जो घूम फिर करते हैं जी सर। घूम फिर करते हैं मतलब सर, मतलब कि अभी दिल्ली में आए हुए, मतलब कि घूमते रहते हैं। देखिए मेरी डिबेट मोहम्मद रफी रुकिए, मेरी डिबेट में हर आदमी को बोलने का हक है, चाहे वो IITian हो और चाहे वो घूम फिर करता हो, चाहे वो घूम फिर करता हो, चाहे वो उद्धरण गलत दे रहा हो, बोलने का हक है। बाकी तय सब जनता कर लेती है अपने आप से। जी रुकिए मोहम्मद रफी, अगर बेसुरे हैं तो मेरी डिबेट में नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं मैम। भाई देखिए, आप ऐसे बोलेंगे, अनर्गल बोलेंगे तो आप मुझे कहने के लिए मजबूर कर देंगे। उन भाई साहब ने बोला कि सारे जो है सोए हुए लोग हैं, जैसे जो लोग करते हैं उनको मान लेते हैं, जहां देखो इंडियंस ही नजर आते हैं, इंडियंस ही इनका वो कर रहे हैं मोदी जी का। ये तो अभी ये बोलेंगे जो पैसे हमारे 2000 नोट बन गए वो तो उन्होंने वहां बांटे उनको बुलाने के लिए। अभी थोड़ी देर में तो ये लोग ये कह देंगे, अगर किसी ने काम किया है तो उसको मानने में क्या बुराई है। अगर उन्होंने काम किया है तो किया है, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने काम किया तो मानूंगी मैं, अगर अंधभक्ता बनूंगी किसी आपने कुछ काम करो तभी तो मानूंगी मैं आपको, आप कुछ हो क्या। आपने बोला कि वो मोदी है तो मैं चल पड़ूंगी पीछे, कुछ देखूंगी कुछ समझूंगी तभी तो करूंगी। आज से पहले 70 साल की जो लोग बात कर रहे हैं, मैं कहती हूं मुझे कोई सत्ता से मतलब नहीं है। मुझे एक बात आती है, आज से पहले जब वहां पर पत्थर मारते थे हमारे आर्मी वालों को, एक एक बंदा को चपेटे मारते थे, तब उन्होंने वो अधिकार कहा थे, क्यों नहीं किसी को अधिकार दिया कि उसको पढ़ के बंद किया जाए? क्यों मारा जाए उसको चपेट के? इसलिए कि वो नौकरी करता जी। सब सारे लोगों का आदर होना चाहिए, सारी बातें सुनी जानी चाहिए, और जो आदमी कमेंट करे, बाबूजी की भी बात आपने अपनी बात कही और उसका आदर के साथ सुना जाना चाहिए। और अगर आप घूम फिर करते हैं तो अभी ये बात सुनी मैंने, घूम फिर करते हैं, कोई काम नहीं लेकिन घूम फिर करते हैं, आपका क्या चक्कर है? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो देश के लिए। अरे रुको यार, डिबेट करा नहीं पा रहे हैं, प्रधानमंत्री बन जाए। प्रदेश जी, कल मध्य प्रदेश के श्योपुर में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ आती है, उस गर्मी से बचाने के लिए जानते हो उनपे चप्पल नहीं है, पॉलीथीन बांध करके इस रोड पे चलती हैं। ये वो देश है जहाँ गर्मी से बचने के लिए बच्चे पॉलीथीन लपेटे, आप चप्पल उपलब्ध नहीं करा पाए, और आप कह रहे हैं कि पूरे देश में डंका बजा रहा है, और हमारे बेरोजगार युवा रोजगार के लिए घूम रहे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है? एक मिनट भी कोई आवाज नहीं निकालेगा, मुझे आपके प्रश्न पे कोई संदेह नहीं। प्लीज माइथल बैठ जाना, नहीं अंतिम डिबेट होगी तुम्हारी इंडस्ट्री में भी। भाई साहब चुपचाप हो रही है, आपकी दाढ़ी का सम्मान है, इससे ज्यादा कोई सम्मान नहीं करूंगा। आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है कि इस देश में बच्चों के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, मुझे बताइएगा जरा, एक लिस्ट लाइए, फेहरिस्त बताइए, आय से अधिक मामले में कितने नेताओं के खिलाफ मुकदमे चले हैं, मुझे बताइएगा। और अगर कोई है शामिल उसमें, कोई भी हो, कोई भी, तो उनके नाम गिना दीजिएगा, मैं नाम सुनने के लिए आज आपसे बेताब हूं। बताइए, आय से अधिक मामले में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। जवाब दे रहे हैं, जवाब ये दे रहे हैं, चाहे वो नेता हो, ये न्यायपालिका क्या कर रही है, या ये कानून क्या कर रहा है? तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला कहां लुटा। आय से अधिक मामले में मुकदमे चले हैं आपके पास, और आप सवाल उठाएं कि बच्चों के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है? अरे मेरे पास तो वो जूता है जिसका सोल ही 20,000 रुपए का आता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वो जूता पहनता हूँ जिसको कि सारे नेता फॉलो करते हैं, ये वो जूता है जो मैं पहनता हूँ, और उसको उस कंपनी के सारे नेता उसको फॉलो करते हैं। नाम मत पूछेगा उस कंपनी का, नो। और आज हमको आप बता रहे हैं समाजवाद का पाठ,
आज आप मुझको ठंडी हवा का मौसम लीजिए, ठंडी हवा का रोशन मौसम लीजिए। 70 साल में जो नहीं हुआ बताते वो हो गया है, तो फिर ये बच्चे नंगे पैर कैसे घूम रहे हैं, ये भूखे पेट कैसे घूम रहे हैं। दूसरा, और आप डंका बजा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पैर छू लिए तो देश विश्वगुरु बनेगा। बिल्कुल छूना चाहिए, मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। ये देश जी वो इसलिए घूम रहे हैं जो अभी आपने प्रश्न खड़ा किया था कि कुछ चंद लोग आए से अधिक मामले अपने यहाँ जमा कर रहे हैं, बीजेपी अपने यहाँ जमा कर रहे हैं, और जब कार्रवाई होती है ईडी या सीबीआई के द्वारा तब यही लोग मुझे बीजेपी सरकार है मध्य प्रदेश में। अरे नहीं नहीं, आप खड़े रहिए, कहाँ से आना हुआ आपका? श्रीनगर से। श्रीनगर से मैं देख लिया था, लंबा चौड़ा आदमी, तीखे नाक नयन, तो श्रीनगर से ही होगा। क्या नाम है साहब? मुदस्सिर। मुदस्सिर भाई, तो आज तो सारी दुनिया जमा है वहाँ श्रीनगर में, तो यहाँ सब कैसे आना हुआ? जी ऐसे ही काम था, थोड़ा बहुत अच्छा काम था। पानी वानी पूछा मेरे लोगों ने कि नहीं पूछा? कहाँ पूछा, जो झूठ बोल रहे हैं, किसी ने नहीं पानी पूछा। पानी पिलाओ। मोहम्मद रफी आ रहा हूँ, पहले कांग्रेस चुपचाप खड़ी, मैंने उससे जरा बहुत इससे पहले ईशान से बात कर लेता हूँ। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी डिबेट का समय निकल गया। और अब लेकिन आपने बोला नहीं, मैंने नहीं बोला, ये पूरी डिबेट मनोज यादव जी ने और सूर्य मैथिल जी ने हाईजैक करने का काम किया और इन्होंने चिल्लाने का काम किया। नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं बिल्कुल, मुझे आपत्ति थी किसी शब्द पे, तब भी इन्होंने माफी नहीं मांगी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ पे है, आपने परफॉर्मेंस की बात करी, परफॉर्मेंस देश देख रहा है, देश में किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से पेट्रोल डीजल सिलेंडर एलपीजी सीएनजी सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, वो ये देश देख रहा है।